LG पैनल में कौन सी फॉल्ट रिपेयर होंगे और Samsung पैनल में क्या फॉल्ट रिपेयर होंगे वो उसके बारे में आ जाता है। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। LG पैनल में स्लो मोशन फॉल्ट रिपेयर होंगे, फॉल्ट रिपेयर होंगे और डबल इमेज रिपेयर इसके चांसेस नहीं है। डबल इमेज LG पैनल में स्लो मोशन आधे भाग में या उससे थोड़े ऊपर भाग में इतने पिक्चर रुक रुक के आ रही है और बाकी जो ऊपर के भाग में पिक्चर रुक के है वैसे फॉल्ट रिपेयर होंगे। ठीक है, सैमसंग में क्या है, आधे भाग में या पूरी पिक्चर में डबल इमेज रिपेयर होगा। और स्लो मोशन रिपेयर होगा, अब हम LG की पैनल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने बताया कि CTV सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये भी ऑन ऑफ सिग्नल्स है, एक गो सिग्नल एक रिटर्न सिग्नल। ठीक है, जोड़ी होगी CKV1 एंड CKVV1, एक जाके ऑन करवाता है दूसरा डिस्चार्ज करवाता है, मतलब वो पूरी छवि बंद करने तक का काम करवा के लौटता है वापस लेवल शिफ्टर आईसी। ठीक है, अब LG पैनल में ऑड इवन या LC1 LC2। ठीक है, ऑड इवन या LC1 LC2 ये दो प्रकार की पैनल्स हैं LG, ये एक प्रकार की और एक प्रकार की, ये वन ये टू। ठीक है, ये जोड़ियां हैं। इसमें -5 और 27 होगा, इसमें 27 -5 मतलब समझ रहे हो, ये 27 -5 ही होगा एक समय, लेकिन ये दोनों एक समय पे एक जैसे नहीं होंगे। ये ऑन ऑफ सिग्नल्स हैं जो दोनों फ्रेम्स को दिए गए। देखो इतना तो पता है ना, दो फ्रेम से ही छवि बनती है, दो दो फ्रेम होती है, हर एक सीक्वेंस की दो दो फ्रेम होती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये फ्रेम्स है, एक एक फ्रेम एक ही छवि है इसमें भी और इसमें भी। मतलब मैं एक फोटो खींचू, वो फोटो की दो कॉपी बनाओ सेम कॉपी, तो एक फोटो इसमें एक फोटो, फिर मैं दूसरे सीक्वेंस की कॉपी बनाऊ जैसे मैं थोड़ा हिला, वो दो कॉपी ऐसे मल्टी कॉपीज, समझ गए, ये ऑन ऑफ चल रहा है, ये प्रक्रिया चालू है। ठीक है, इससे पिक्चर चलती दिखती है इसमें, और इसमें भी ऐसा ही है, ऑड -5 27 -5। ऑड और LC1 एक जैसी चीज है, इवन और LC2 एक जैसी चीज, लेकिन ये एक पैनल है एक टाइप की पैनल और ये दूसरे टाइप। ठीक है, अब ये LC1 LC2 वाले में H1 से लेकर H8 तक होंगे गेट सिग्नल्स। ठीक है, और ऑड इवन वाले में क्या होगा, जी क्लॉक होंगे, 6 सिग्नल्स होंगे ये, और VGHR और VGHF, VGHF, ठीक है, VGHR means 27 वोल्ट, VGHF means -5, ओके, और इवन। अभी देखो इस टाइप की पैनल में फॉल्ट कैसे देखने मिलेंगे आपको, डबल इमेज वाले फॉल्ट आएंगे उसको तो वापस लौटा दो। ठीक है, करने का मतलब नहीं, हमने करके देख लिया है, ओके, नॉट रिपेयरेबल। हाँ, लेकिन स्लो मोशन टाइप फॉल्ट जैसे कि आधी पिक्चर, जैसे अभी मैं यहाँ पर एक स्क्रीन बना रहा हूँ, इतना जो भाग है नीचे का भाग, यहाँ पे पिक्चर स्लो चल रही है, स्लो
और ये वाली पोर्शन में ओके चल रही है, ठीक है। जब ठीक होगा, जैसे हमारे पास एक पैनल है चाहिए था, हम डेमो बना सकते हैं उसमें वीडियो, उतना भाग में पिक्चर जो है स्लो चल रही है। तो आपने क्या करना है, इवन जो हमने रिपेयर किया ज्यादातर उसमें इवन लाइन को काट दिया, ट्रैक कट कर दी इवन की, ठीक है, कहाँ से लेवल शिफ्टर से जहां से निकल रही है वहां से काट दी, ठीक है। और हमने कटा हुआ दो भाग है, देखो लेवल शिफ्टर से ये वोल्टेज आ रहा है, ओके, ये पूरी लाइन है, यहां पर LC1 है इवन, और एक ऑड है, ठीक है। अब ये पैनल के अंदर जाएगा यहां से डॉट से, ये भी पैनल के अंदर जाएगा डॉट से, ठीक है, वो डॉट डबल साइड पीसीबी का, ठीक है। आपने डॉट का इस साइड से कट कर दिया, ठीक है, या इस साइड से कट कर दिया। अब देखो दो भाग हो गए इसके कटिंग के भाग, आपने जो लेवल शिफ्टर से निकल रहा है ना वहीं से कट कर दिया है, तो एक भाग ये है और एक भाग ये है, इसमें भी एक भाग ये है और एक भाग ये। आपको वोल्टेज यहाँ नहीं देना है, 27 वोल्ट यहाँ देना है, 27 वोल्ट कौन से वाले, ठीक है, जहां वोल्टेज चेक कर लो 27 वोल्ट है, ये इवन पे दे दो, कट कर देखो, ये लेवल शिफ्टर आईसी है, ठीक है, इसमें से दो सिग्नल निकल रहे हैं, एक ऑड है और एक इवन है। अपने टेस्ट पॉइंट से मेजरमेंट कर लिया कि कहां से निकल रहा है, इधर ही आईसी के पास ही टेस्ट पॉइंट है, सॉरी टेस्ट पॉइंट नहीं, डबल साइड पीसीबी का डॉट है, आपने यहां से कट कर लेना है डॉट से पहले से, मतलब लेवल शिफ्टर को अलग कर लेना है लाइन से, और पैनल की साइड में इवन पे वोल्टेज दे रहा है, ये वाला कट कर दिया है, ये भी कट कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन देना आपको वोल्टेज इवन को है 27 पैनल की साइड। देखो दो ट्रैक की दो भाग है, एक लेवल शिफ्टर और एक उधर, ये अखी एक ट्रैक है, आपने बीच में कट कर दिया, तो अब दो अलग अलग पोर्शन हो गया, ठीक है, एक पैनल साइड जा रहा है और एक लेवल शिफ्टर साइड से आ रहा है। लेवल शिफ्टर साइड वाले में नहीं देना वोल्टेज, 27 वोल्ट आपको पैनल साइड में देना है, ठीक है, ये डॉट है, डॉट की इस साइड से मैंने काटी, ठीक है, और ये सीधी यहाँ जा रही है यहाँ पर, और अभी मैं दूसरा वीडियो थोड़ा आगे प्ले करूँगा तो नीचे का भाग भी देखिएगा, ऑड इवन इधर ही ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ट्रैक कहाँ जा रही, इधर जा रही, और यहाँ से होते हुए पैनल के दोनों साइड, अभी हमने यहाँ से तो कट कर दिया है, तो ये ट्रैक या तो यहाँ पे ही आप 27 वोल्ट दे सकते हो, ठीक है, या इधर भी दे सकते हो, ठीक है, मैंने इधर दिया है 27 वोल्ट, कहाँ से लिया है हमने, पीसीबी से, मेरे को जो नज़दीक दिखा वो वहाँ से लिया है, ठीक है। अभी आप यहाँ से भी ले सकते हो 27 वोल्ट, जहाँ भी आपको आ रहा हो वो टेस्ट पॉइंट पे VGH वोल्टेज लिखा हो, VGHF, वहाँ से आपने 27 वोल्ट सोल्ड कर देना इधर सोल्डर। देखो VGH ऑड VGH इवन, ठीक है, हमने कट कर दिया वहीं से, हमने जंपर मारा इधर, 27 वोल्ट कहाँ से लिया है, पीसीबी पे से ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने सोर्स पीसीबी पे VGH लिखा हुआ है वहाँ पे सोल्ड कर दिया, 27 वोल्ट चेक कर लेना है कहाँ पे आ रहा है, वो फ्लिकर वाले नहीं, 27-5 नहीं, 27 टेबल उस पे आपने 27 वोल्ट। अब ये काम या तो आप 27 वोल्ट बाहर से दो या टीवी में से उठा लो, ठीक है, बाहर से भी लेवल शिफ्टर वोल्ट मिलते हैं आपको जिसमें डीसी टू डीसी आउटपुट जो होता है 27 वोल्ट वही आप लगा सकते हो, मॉडल जो पैनल बूस्टर वो, या पीसीबी में ढूंढ लो आप 27 वोल्ट वेयर इट इज़ प्रेजेंट, वहाँ से आपने वोल्टेज दे, ठीक है।
ठीक है, और उसके बाद ये रिपेयर हो जाएगा लेकिन कुछ लाइनें रह जाएगी। अब देखो 27 वोल्ट हमने दिया है, 28 वोल्ट, ऑड इवन भी दोनों साइड जाते होंगे क्या? हाँ दोनों साइड ही पिक्चर बन रही है, दोनों साइड चाहिए ना। किसका गिने तुम्हारा सवाल जी? दोनों साइड चाहिए। अब देखो ये लाइनें रह गई, ये लो ये रह जाएगी, लेकिन पूरी पिक्चर ओके बनेगी। पता नहीं आया सबको, उसके बाद नीचे लिखेगा नहीं।